हेलो एंड वेलकम टू गोगरिंग किचन्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद ही सिंपल स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी। जी हाँ, वेज पुलाव विद बीटरूट रायता, जो कि हर किसी के फेवरेट डिश में से एक होती है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे वेज पुलाव। उसके लिए लेंगे एक कप बासमती चावल, उसमें जाएगा इक्वल अमाउंट का एक कप पानी। देखिए हम इसको फ्लैट कढ़ाई में पका रहे हैं। आप इसको या तो भगोने में पका सकते हो, नहीं तो कुकर में भी पका सकते हो। तो इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। देखिए 15 मिनट हो चुका है, तो चावल भी एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका है, ना ही ये कढ़ाई को चिपका है और ना ही इसके ग्रेन्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं। फिर लेंगे एक चम्मच घी, उसमें जाएगा 4 से 5 कटा हुआ काजू और 4 से 5 कटा हुआ बादाम। आप इन ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें जाएगा हल्का सा नमक, इसको फिर से हल्का सा चला लेंगे ताकि ये पूरी तरीके से क्रंची बन जाए। देखिए ये क्रंची बन चुके हैं, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर लेंगे एक चम्मच घी, इसमें जाएंगे खड़े मसाले जैसे कि 2 से 3 तेज पत्ता, 7 से 8 जाएगा इसमें लौंग, जाएगा इसमें एक चक्री फूल और जाएगा हल्का सा दालचीनी, थोड़ा जावित्री और जाएगा 4 से 5 छोटा इलायची और 4 से 5 काला मिर्च। इसको अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। फिर जाएगा इसमें कटी हुई सब्जी, एक कप फूल गोभी, जाएगा एक कप मटर, फिर इसमें जाएगा एक कप गाजर और जाएगा एक कप बीन्स। इन सब्जियों का टेस्ट बूस्ट करने के लिए जाएगा इसमें एक चम्मच गार्लिक जिंजर और हरा मिर्च का पेस्ट। इस पेस्ट का कच्चापन निकालने के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर जाएगा इसमें हल्का सा नमक, थोड़ा चला लेंगे। इसमें जाएगा आधा कप पानी और इसको ढक के रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि सब्जियां सारी पक जाएं। देखो सारी सब्जियां अच्छे से पक के रेडी है। तो उसमें जाएगा व्हाइट चावल, कढ़ाई के बॉटम में जो पानी दिख रहा है वही काम आएगा हमारा सब्जियों का फ्लेवर चावल तक पहुंचाने में। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स और ये पुलाव बनके रेडी है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट रायता। उसके लिए लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, उसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, हल्का सा कड़ी पत्ता और जाएगा आधा चम्मच हींग। हींग बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर लेंगे 1 कप दही, उसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर, जाएगा आधा चम्मच नमक और 2 कटा हुआ हरा मिर्च। फिर इसमें जाएगा 1 कप बीटरूट। बीटरूट को हमने फाइनली चॉप करके 5 से 6 मिनट के लिए पानी में उबाल के लिया था। फिर जाएगा इसमें थोड़ा धनिया पत्ता, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये बहुत गाढ़ा लग रहा है, इसलिए इसमें जाएगा आधा कप पानी। और आखिर में जाएगा इसमें तड़का और ये हमारा रायता रेडी है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं गर्मा गर्म। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए गो ग्रीन किचन्स को।